इन दिस लेक्चर वी विल परफॉर्म दी डी सी एंड ए सी एनालिसिस ऑफ द कॉमन इमीटर एम्प्लीफायर एंड फाइनली वी विल सी हाउ मच गन इज़ प्रोवाइडेड बाई दिस एम्प्लीफायर सर्किट सिंस यू कैन सी दैट द इनपुट सिग्नल विच इज़ इन मिली वर्ल्ड्स एंड इट इज़ इक्वल टू ट्वेन मिली वर्ल्ड और हम लोग क्या करेंगे इसका डी सी और ए सी एनालिस परफॉर्म करके देखेंगे कि ये एम्प्लीफायर हमें आउटपुट पर कितने एम्प्लीफायर्ड वोल्टेजेस प्रोवाइड करता है सो स्टार्टिंग विद द डी सी एनालिसिस हम लोग डी सी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी कैपेसिटर्स इस एम्पलीफायर के अंदर प्रेजेंट हैं जैसे इनपुट साइड के ऊपर एक कैपेसिटर प्रेजेंट है एक कैपेसिटर आउटपुट साइड पे प्रेजेंट है और इसी तरह से ये एक कैपेसिटर एमिटर टर्मिनल के साथ प्रेजेंट है ये जो कैपेसिटर्स हैं लेट्स कॉल देम सी वन दिस इज सी टू और ये हमारे पास आ जाएगा सी थ्री ठीक है सी वन और सी टू जो है इनको कपलिंग कैपेसिटर्स कहते हैं बिकॉज द कपल द इनपुट सिग्नल एट द इनपुट साइड ऑफ द एम्पलीफायर और सिमिलरली हमारे लोड को कपल कर रहे होते हैं आउटपुट साइड के ऊपर ठीक है हमने इनकी कैपेसिटर्स की वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से सेलेक्ट करनी होती है कि जब एक ए सी सिग्नल आएगा एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का तो दे विल बी एक्टिंग एज इफेक्टिवली शॉर्ट ओके सो फॉर स्टार्टिंग द एनालिसिस हम लोगों ने क्या करना है क्योंकि कैपेसिटर्स जो होते हैं डी सी के ऊपर ओपन हो जाते हैं सो इन दिस वे दिस पार्ट विल बी डिसकनेक्टेड सिमिलरली जब आप यहाँ पर कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो ये लोड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इसी तरह से जब इसको ओपन से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास जो डीसी एनालिसिस करने के लिए सिंप्लीफाइड वरियन सर्किट का रह जाएगा वो ये है सो so, इस तरह से हमारे पास जो सिंप्लीफाइड सर्किट डीसी एनालिसिस के लिए है वो ये अवेलेबल है इस वक्त हम लोगों ने क्या वैल्यू डिटर्मिन करनी है वी हैव टू फाइंड दी क्यू पॉइंट ऑफ दिस सर्किटरी री विच इज़ एक्चुअली कम्पोज ऑफ वी सी ई एंड आई सी विच आर एक्चुअली the आउटपुट पैरामीटर्स ऑफ दिस amplifier और फॉर दिस वोल्टेज डिवाइडर बाइस अच्छा ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस के लिए हमारे पास ये जो वोल्टेजेस होंगे क्योंकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं सो तो सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो जो है वो आपके पास कैपिटल सब्सक्रिप्ट के साथ डिनोट किए जाएंगे सो दिस वोल्टेज़ आर मार्क्ड एज बी सिमिलरली ये जो वोल्टेजेस हैं इनको आप मार्क करेंगे वी कैपिटल वी और ये जो emitter point पे voltages है पॉइंट पर वोल्टेजेस हैं दिज आर मार्क्ड एज कैपिटल वी यहां से यहां तक जो वोल्टेजेस है इनका पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड एज वी सी ई और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेजेस ओके जब आपने एनालिसिस स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या होता है कि आपने ये वी बी वोल्टेजेस डिटर्मिन करने हैं जो कि आप सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल्स के साथ डिटरमिन कर सकते हैं सो वी बी इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू इंटू वी सी सी जस्ट सब्सिट्यूट दीज वैल्यूज सो टेन किलो ओहम्स को आपने डिवाइड कर देना है टेन किलो ओहम्स प्लस फोर्टी सेवन किलो ओहम और मल्टीप्लाई करना है वी सी सी विच इज इक्वल टू टेन वोल्ट इन दिस केस

ग्राउंड वी नो दैट वी बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट और वी बी आपके पास आया है वन पॉइंट सेवन फाइव वोल्ट माइनस वी ई यहाँ से आप लोग वी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर वी ई साइड पर चला जाएगा तो आपके पास आ जाता है वन पॉइंट सेवन फाइव माइनस जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट विल गिव यू दैल्यूज ऑफ वी ई और एमीटर वोल्टेज विच इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट इन दिस केस जब आपके पास एमिटर वोल्टेजेस आ जाएंगे आप यहां से क्या डिटरमिन कर सकते हैं आपके पास एमिटर पॉइंट पे वोल्टेजेस भी प्रेजेंट है एमिटर की रेजिस्टेंसेस भी प्रेजेंट है सो so, ओवरऑल आप यहां से जितना एमिटर करंट फ्लो कर रहा है वो डिटरमिन कर सकते हैं सो आई ई विल बी इक्वल टू वी ईवर एमीटर रेजिस्टेंस क्योंकि एमिटर टर्मिनल जो है अगर आप गौर करें यहाँ पे दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है और ये दोनों सीरीज में है दैट्स यू विल अप और आपके पास टोटल एमिटर रेजिस्टेंस आर ई आ जाएगी 1.05 डिवाइडेड बाय 940 फोर्टी ओहम्स सो आपके पास जो एमिटर करंट आ जाता है कैपिटल आई ई क्योंकि ये डीसी क्वांटिटीज हैं सारी की सारी मिली एम्पियर्स ये आपके पास एमिटर करंट आ गया नाउ यू नो दैट एमिटर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट सो दैट्स वाई वी सी द वोल्टेज एट कलेक्टर पॉइंट ये किसके इक्वल होंगे अगर आप देखें तो ये आपके पास सोर्स है इस सोर्स में से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो होगा कलेक्टर करंट के फ्लो करने की वजह से आईसी की वजह से इस रजिस्टर आर सी के क्रॉस और जो रिमेनिंग वोल्टेज होंगे दे विल अपेयर एट द कलेक्टर टर्मिनल सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द के वी एल एस वी सी इज़ इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इन टू आर सी वी सी सी इज टेन वोल्ट माइनस वन पॉइंट वन वन मिली एम्पियर इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आर सी विच इज़ इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन किलो ओह के साथ सो so आपके पास फ्लैक्टर वोल्टेजेस जो हैं वो आ जाते हैं फोर पॉइंट सेवन फाइव वोल्ट के इक्वल सो so, ये आपके पास कलेक्टर वोल्टेजेस भी प्रेजेंट है नेक्स्ट स्टेप इस आपने वी सी ई निकालने हैं विच इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस एट कलेक्टर एंड एट द दमीटर सो फोर पॉइंट सेवन फाइव माइनस अमीटर वोल्टेजेस विच इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव और ये वोल्टेजेस आपके पास बनते हैं थ्री पॉइंट सेवन वोल्ट सो या आपके पास क्लेक्टर टू एमीटर वोल्टेजेस भी आ गए इस तरह से आप सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो डिटरमिन कर चुके हैं अब आपके पास जो एक करंट रह गया दैट इज द बेस करंट आई बी आई बी इज इक्वल टू कैपिटल आई सी ओवर बीटा इंटू डी सी ओके सिंस कलेक्टर करंट वॉज इक्वल टू वन पॉइंट वन वन मिली एम्पेयर आपने इसको बीटा डी सी के साथ डिवाइड कर देना है बीटा डी सी इज इक्वल टू वन फिफ्टी विच इज ए कॉन्स्टेंट नंबर सिंस इट इज द रेशियो ऑफ द टू करंट्स दैट्स वाई बीटा हैज नो यूनिट सो बीटा करंट जो है वो आपके पास आ जाता है सेवन पॉइंट फोर माइक्रो एम्पियर्स ये आपके पास सारी के सारे डीसी पैरामीटर्स यानी कि वी बी वी सी वी ई वी सी ई आई सी आई बी और आई ई एवेलिएड हो जाते हैं सो so, ये आपका डी सी एनालिसिस इज कंप्लीटेड